ये बूथ नंबर 319 है, पश्चिम नागपुर का ये बूथ है। ये बूथ के अंदर ये किसका है? वो किस को? आपकी मैडम है? नहीं, ये आपका बूथ है? ये नहीं, आप ये बता दें। वही दरिया नानी करके ही मिला ना, दरिया नानी करके मिला इनका। ये आपका, आप अभी गवर्नमेंट के हो? हाँ। ये मैडम, तो फिर आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? चले जाइए, आप बीजेपी के पदाधिकारी है, आप बूथ के अंदर यहाँ पे आके कैसे बैठ सकते हैं लिस्ट लेके? आपको बताना चाहिए ना, आप पुलिस वाले हो ना। शुरू से नहीं, नहीं, आप, आप, आप आपके टेबल के ऊपर बूथ पे बीजेपी की पदाधिकारी कैसे बैठ सकते? कैसे बैठ सकते? और यहाँ बैठ के कैनवासिंग करेंगे क्या? ये कैनवासिंग कभी भी नहीं। पर वो कैसे गए आपके? आप अभी यहाँ पे बूथ आपके हाथ से, मेरा लाइव रिकॉर्डिंग चालू है और आपका, आपके हाथ यहाँ पे, आप लिस्ट लेके बैठे हो, ऐसा कैसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हम भी बैठ सकते हैं अंदर, हम तो बहुत ही, हम तो उल्टे उल्टे काम करने वाले लोग हैं। क्यों भैया, आप पुलिस वाले हो ना, आप बैठे हो ना यहाँ पे? बैठे नहीं है, इन्होंने तो कम से कम बताना चाहिए हमको। क्या नाम है आपका? बताना चाहिए हमको यार, क्या नाम है आपका? हमारे स्टाफ के नहीं है करके, हमारे स्टाफ के नहीं है। तुम हमको एक बार माहिती दो, तुम ऐसा थोड़ी ना, कोई भी आके बैठ जाएगा। आपका नाम क्या? आपका नाम क्या है? क्या नाम है? बीजेपी के। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? सर उनको, नहीं, आपका नाम क्या है? तुमने हमको बताना चाहिए ना। आपका नाम क्या है मैडम? तुम्हारा नाम क्या है? आपका ये गवर्नमेंट का है, ये है ना बूथ है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट के ये काम लो, पार्टी के आदमी यहाँ पे आके अंदर कैसे बैठते? अभी से नहीं, बहुत देर से बैठे हैं वो। नहीं, हम तो बूथ के साथ है सर, हमारा कोई विषय नहीं है। इन्होंने हमको बताना चाहिए कि सर हम यहाँ पे कोई आदमी बैठा है या चिंगड़ हो रहा है प्रीमाइसेस में, हम लेंगे ना एक्शन। ऐसा क्यों? अब जैसे आपने बताया तो हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना। बीजेपी के पदाधिकारी यहाँ 319, 320, 321 पश्चिम नागपुर क्षेत्र 56 गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ में बैठ के बूथ के अंदर कॉन्वर्सिंग कर रहे। ये मैंने आपको अभी लाइव दिखाया, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आचार संहिता का इस तरीके से उल्लंघन हो रहा है। पुलिस वाले भी है यहाँ पे, उनको भी पता नहीं कि बूथ के अंदर यहाँ पे बीजेपी के पदाधिकारी बैठ के कैनवासिंग कर रहे करके। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन में इसकी कंप्लेंट होगी बाकायदा। कितने घंटे से बैठे थे भैया? 2-3 घंटे से बैठे वो। क्यों भैया? नहीं, आपको जानकारी नहीं है कि आपके बाजू में बैठे हो कोई? मेरे को लगा कि होएंगे पावर। आपको कैसा लगा? उनको मालूम है, गवर्नमेंट के आदमी हो ना तुम, तुम्हारे गवर्नमेंट, तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे लोग बैठेंगे ना। मैंने बोला ना मैडम को, तो नहीं सुन रहे तो मैं क्या करूँगा? तो तुमने बहुत ऑब्जेक्शन लेना चाहिए ना जब तुम बोल रहे हो। एक मिनट, तुम जब बोल रहे हो कि मैंने बोला मैडम को, वो नहीं सुन रही, तो तुम क्या, मैं क्या करूंगा? तुम सरकारी आदमी हो ना, तो सरकारी आदमी क्या कर सकता? मैडम को बोलो उठ जाओ, तुम नहीं सुन रही। नहीं सुन रही बोले तो तुमने कंप्लेंट करना चाहिए ना। तुमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तुमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बताना चाहिए ना। क्या मैडम, मैडम तुम्हारे बूथ के ऊपर ऐसे बीजेपी की पर्चा क्यों चल रही? ये देखो ना, हाथ में है ना, अलाउड है क्या? अलाउड है क्या? नहीं, ये नंबर दे, अलाउड है क्या ऐसा?
ये ऐसा फाड़ के लाना दीदी। अलाउड है क्या ऐसा फाड़ के लाओ? ये गवर्नमेंट के इसके बूथ के ऊपर ऐसा अलाउड है क्या? अलाउड है क्या? ये अलाउड है क्या भैया? पर्ची है जो लेके आ रहे हैं वो तो फाड़ सकते हैं। अंदर पर्ची आ सकती क्या? नहीं हमारे तरफ लेके आते हैं। हाँ पर्ची आ रहे हैं इनको देख के पास ना। ये देखो बूथ के पीछे गवर्नमेंट के लोग हैं और बूथ के पीछे क्या लगा हुआ है वो स्कूल उनका काम है ना भाऊ। नहीं पर भाऊ का काम है पर तुम्हारे अलाउड तुम्हारे तुमने नहीं कर रहा चाहिए ना। उनका उनको अधिकार दिए ना रूम वाले को कि क्या क्या करना है क्या नहीं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर सरकारी आदमी हो ना भैया तुम? अरे सरकारी लेकिन ये हमारा काम नहीं ना, हमको सिर्फ ये बांटना है बस। अरे हाँ तुमको बांटना है पर तुम्हारे टेबल के ऊपर अगर कोई बीजेपी का पदाधिकारी आके बांट रहा है तो तुमने ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए क्या? बीजेपी का हमको नहीं मालूम ना। अरे कोई भी बाहर का आदमी आके बांट रहा है तो तुमने ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए क्या? हाँ मैडम ये चिल्ड्रंस फॉर स्कूल फॉर चिल्ड्रंस विद ऑटिज्म रामदास पेट नागपुर ये केंद्र है। यहाँ पे 3 बूथ है और यहाँ पे जो हो रहा है मैंने आपको सबको दिखाया। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मैं इसकी इलेक्शन कमीशन की तरफ कंप्लेंट रजिस्टर करूंगा। धन्यवाद।